हेलो बच्चों, तो लास्ट टॉपिक तक अपन ने देखा था कि गाउस के नियम को व्युत्पन्न कैसे किया गया, और फिर उसके बाद में अपन ने देखा था कि अनंत रेखीय आवेश है ना, समरूप आवेशित अनंत रेखीय चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। अब नेक्स्ट जो अनुप्रयोग है वो है अपरिमित समरूप आवेशित अचालक पर। देखो, अपन सभी में समरूप आवेशित की ही बात कर रहे हैं, एक बार ध्यान में रखना। आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब एक पॉइंट ध्यान रखिएगा जो कि आगे वाले पॉइंट से लिंकअप है जो हम पढ़ेंगे। एक होता है परत और एक होता है पट्टिका, ठीक है। मतलब एक है शीट, शीट मतलब परत, और एक है प्लेट, प्लेट मतलब पट्टिका। इनमें थोड़ा बहुत ये मूलभूत अंतर है। वो मूलभूत अंतर क्या है, जब हम बोलते हैं परत, तो परत समझिए जैसे आपकी कोई कॉपी होती है ना, तो उस कॉपी का एक पन्ना जो है ना, ये एक पन्ना क्या है बच्चों, परत है, शीट है ये, ठीक। अब इसकी क्या खास बात है, तो हम बोलते हैं शीट के पास में सिर्फ क्षेत्रफल होता है, इसके पास में सिर्फ क्षेत्रफल है, इसके पास में आयतन नहीं है ना, कि इस पन्ने की मोटाई इतनी कम है कि हम इसका आयतन नहीं मानते, इसके पास में सिर्फ और सिर्फ क्या मानते हैं, क्षेत्रफल मानते हैं। तो अगर क्षेत्रफल मानते हैं तो सारा का सारा आवेश कहाँ आ सकता है, क्षेत्रफल पर आ सकता है, ठीक है। तो यहां पर हम उसी की बात कर रहे हैं, अचालक परत की बात कर रहे हैं, और वो आवेशों की बनी, वो परत पे सिर्फ और सिर्फ आवेश ही आवेश है, ये बात ध्यान रखना। तो हम कह सकते हैं आवेशों की परत हो गई, किसकी परत है, आवेशों की परत आप मान सकते हो, ठीक है। फिर जब हम बात करेंगे अचालक या फिर पट्टिका की बात करेंगे, चालक पट्टिका आएगा हालांकि नेक्स्ट केस, तो पट्टिका का मतलब क्या होगा बच्चों, पट्टिका मतलब मोटाई, प्लेट। इसकी मोटाई दिख रही होगी, इस कॉपी की आपको थोड़ी बहुत मोटाई तो दिख रही होगी, है ना। तो जब कोई भी ऐसी चीज है जिसके पास में लंबाई चौड़ाई के साथ में, है ना, लंबाई चौड़ाई के साथ में थोड़ी बहुत मोटाई भी हो, तो फिर वो पट्टिका में कन्वर्ट हो जाती है, ये बात ध्यान रखना। तो आपकी एक पूरी कॉपी पट्टिका है, लेकिन उस कॉपी का एक पेज क्या है बच्चों, शीट हो जाएगी या परत हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये रखें, तो हम बात कर रहे हैं किसकी बच्चों, अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत की बात कर रहे हैं। अचालक क्या, जिसको जो भी आवेश दोगे वो उसकी सतह के साथ आयतन में भी चला जाए, लेकिन चूंकि परत है तो आयतन नाम की कोई चीज ही नहीं है, आयतन नाम की कोई चीज नहीं, तो अब सारा का सारा आवेश सतह पर जाएगा, ठीक है। तो हमने अचालक परत की बात करनी है और सतह पर आवेश जाने वाला है। सबसे पहले दिशा देखेंगे, और दिशा के लिए लास्ट वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, वो दिमाग में रखनी पड़ेगी आपको। तो अपरिमित है मतलब अनंत हो गई है, अनंत लंबाई हो गई, तो कुछ ऐसा परत मान लेते हैं। कुछ ऐसा मान लीजिएगा, फिर आवेश दो, समरूप आवेशित कर दीजिए उसको। क्या करेंगे अपन उसको बच्चों, समरूप आवेशित करेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसा कर दिया अपन, ये समरूप आवेशित। अपरिमित के लिए अपन ने डॉट 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 लाइन बना दी परत को दर्शाने के लिए, ये अपरिमित हो गई, ठीक। तो हमने बोला कि इसका ये भाग है, और ये भाग अपन ने ये परत को नाम दे दिया एबीसीडी। क्या नाम दिया, एबीसीडी नाम दे दिया। तो एबीसीडी एक परत है, एबीसीडी परत मतलब अपरिमित चालक परत का एबीसीडी एक छोटा सा भाग है, और उस एबीसीडी परत के छोटे से भाग पर हम बोल रहे हैं कि उसका क्षेत्रफल एस है, और उसके पास में आवेश कितना है, क्यू है। तो फिर इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, आप समझिए आवेश कहाँ पर है, सतह पर है, सतह पर है इसका मतलब क्षेत्रफल पर है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व देखेंगे, ठीक है। तो उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा, Q डिवाइडेड बाय S होगा। तो ये बात ध्यान रखें, सिग्मा बराबर Q बटा S, पृष्ठीय आवेश घनत्व की क्या है, हमारे पास में एक अपरिमित चालक अचालक परत है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। अब इसके कारण हमें दिशा देखनी है बच्चों, दिशा कैसे देखेंगे वो समझते हैं। तो दिशा के लिए हमने क्या किया, पहले तो बिंदु मानो जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र चाहिए था, तो आंसर है P बिंदु है वो, ठीक है। फिर हमने क्या किया, उस P बिंदु से एक रेखा खींची। तो अब इस चीज को समझो, लेट सपोज करो कि ये वो अचालक, सॉरी अचालक परत है, और उस अचालक परत का ये बिंदु यहां पर है
है ना, पी बिंदु यहाँ पर है। अगर ये पी बिंदु यहाँ पर है तो आपने क्या किया, इस पी बिंदु से एक रेखा यहां तक लेकर आया, सीधी यहां तक लेकर के आओगे, तो ये पी बिंदु से ऐसी लाइन जो दिख रही है ना, ये लाइन से, ठीक है, तो ये ऐसी सीधी लाइन आपने खींचनी है, ये बात ध्यान में रखो। फिर यहाँ पे वो आपको पॉइंट मिल गया। फिर हम क्या करते हैं, इससे निश्चित दूरी ऊपर की ओर और निश्चित दूरी फिक्स दूरी ऊपर की ओर चलते हैं और नीचे की ओर चलते हैं, और दो क्षेत्रफल अल्पांश A1 और A2 को काट लेते हैं। ये क्षेत्रफल अल्पांश कौन से हैं, A1 और A2 समान क्षेत्रफल के हैं, क्योंकि S अगर इसका क्षेत्रफल है तो इनका DS क्षेत्रफल माना जाएगा, अगर Q आवेश इसके पास में है तो इनके पास में DQ और DQ आवेश माना जाएगा, ठीक है। अब समझना, ये वाली दूरी को मैं यहां पर R लिख रहा हूं, ठीक है, तो ये इस वाले आवेश के कारण, DQ आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ऐसी मिलाती हुई रेखा के अनुदिश जाना चाहिए भाई, ऐसा है ना, यूं जाएगा। ये विद्युत क्षेत्र कितना लिखे, DE1 अल्पांश के कारण, ऐसा का ऐसा A2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे जाएगी, ऐसी DE2, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। गौर करो, ये दोनों त्रिभुज ऊपर और नीचे वाले अपन ने पहले भी सर्वांग सिद्ध किए थे, ठीक, क्यों, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर है, ठीक, फिर ये वाली दूरी उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुजों में, ऊपर भी 90 है नीचे भी 90 है, तो ऐसे ऐसे नियम लगा दिया था हमने। चलिए, तो इसका मतलब हमें ये भी पता चल जाता है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों कोण क्या है, बराबर। अगर ये कोण बराबर है बच्चों, तो फिर इनके घटक देखने पड़ेंगे, घटक वैसे के वैसे जैसे अपने लास्ट टाइम देखे थे, क्या था भाई, DE1 का ये थीटा से कनेक्टेड घटक कौन सा होगा, DE1 cos थीटा, और DE2 का कौन सा घटक होगा, DE2 cos थीटा, ठीक हो गया ये बात, चलो फिर cos थीटा वाले घटक हो गए, अब DE2 का ये वाला घटक कौन सा होगा, sin थीटा का, DE2 sin थीटा जो थीटा से कनेक्टेड नहीं है, और DE1 का ये वाला घटक कौन सा होगा, DE1 sin थीटा, डन हो गया। चलिए, तो इस तरीके से वापस से वही वाली बात अपन बोलेंगे यहां पर, क्या भाई, कि DE1 तथा DE2 परिमाण में समान है, एवं चित्र से यह स्पष्ट होता है कि P बिंदु पर DE1 sin थीटा एवं DE2 sin थीटा घटक जो है परिमाण में समान एवं दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या करते हैं, निरस्त करते हैं, जबकि DE1 cos थीटा तथा DE2 cos थीटा एक ही दिशा में कार्य करने के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब गौर करो, परिणामी विद्युत क्षेत्र कैसा जा रहा है, सेम वो की वही वाली लाइन आने वाली है इस बार भी, क्या भाई कि P बिंदु को चालक परक सॉरी अचालक परक से मिलाने वाली लंबवत रेखा के अनुदिश हमें प्राप्त हो रहा है, और आप देखोगे तो ये परक ऐसा है, P बिंदु ऐसा है, विद्युत क्षेत्र ऐसा जा रहा है, परत के ऐसा लंबवत, ठीक है, तो हम यहाँ पर ये लंबवत विद्युत क्षेत्र भी बोल सकते थे, परत के लंबवत है इस बार विद्युत क्षेत्र, ठीक है, तो बात ध्यान रखिएगा, लंबवत विद्युत क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं, एन कैप से, ठीक है, तो सदिश रूप लिखेंगे तब एन कैप यूज करेंगे, है ना, तो डायग्राम तरीके से बन जाना चाहिए, फिर लिख दीजिएगा DE1 और DE2 समान है परिमाण में, और DE1 sin थीटा DE2 sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कारण पता चल गया, जबकि वो दोनों मिलकर के परिणामी विद्युत क्षेत्र का निर्माण करेंगे। लाइन क्या लिखनी है, वापस से बता रहा हूं, इस लाइन को नोट कर लीजिए, क्या है ये कि P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा अभिष्ट बिंदु को अचालक परत से मिलाने वाली लंबवत रेखा के अनुदिश प्राप्त होती है, ठीक है ये बात, ये ध्यान में रख लीजिएगा, तो इस तरीके से हम दिशा निकालेंगे। अब क्या काम करेंगे बच्चों, परिमाण देखेंगे, है ना, डेरिवेशन वाला पार्ट, तो मोस्टली डेरिवेशन पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो जो लास्ट लाइन जो मैं आपको बताता आ रहा हूँ उसे ध्यान में रखिएगा, वो जरूर आपको लिखनी पड़ेगी। काम करते हैं डेरिवेशन के लिए, परिमाण के लिए, ओके, तो समझे, अब परिमाण की बात कर रहे हैं, वैल्यू कितनी आएगी विद्युत क्षेत्र की वो ज्ञात करेंगे, तो हमने बोला कि
वही अचालक परख लो। इस बार भी बेलन ही लेंगे हम बच्चों, लेकिन ये बेलन कैसा होगा, आर पार गुजरता हुआ होगा। ऐसा क्यों बोला, आर पार गुजरता हुआ कैसे देखे जा रहे हैं? तो हम बोल रहे हैं कि समरूप आवेश है परत, ठीक है, और आवेश सारा का सारा क्षेत्रफल पर है, कहीं पर भी कंटिन्यूटी टूट नहीं रही है, कहीं पर भी आवेश की सतत्ता जो है वो टूट नहीं रही है ना, आवेश की सतत्ता टूट नहीं रही है। तो आप फिर पर्टिकुलर जो गाउस से बंद प्रश्न है उसे कंटिन्यू कर सकते हो आगे की ओर, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे अपन, अगर कंटिन्यूटी टूटती है आवेश की, सतत्ता की कंटिन्यूटी टूट जाती है ना, सॉरी सतत्ता टूट जाता है आवेश का, तो फिर गाउस का जो बंद प्रश्न है वो वहीं रुक जाता है। लेकिन यहाँ पर परत में कहीं कंटिन्यूटी टूट नहीं रही थी, है ना। इस केस के अंदर हम हमारे बेलन को जो गाउसीय बंद प्रश्न है, काल्पनिक बंद प्रश्न, ये इसको आर पार गुजार देंगे बच्चों, और इस बेलन की लंबाई भी इंपॉर्टेंट है, कितनी है इस बेलन की लंबाई, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। वो जो पी बिंदु जहां पर आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना था, वो पी बिंदु कितनी दूरी पर है, स्मॉल आर दूरी पर था, ठीक। तो ये यहां से लेकर अर्ध बेलन की लंबाई अगर आर है, तो इस तरफ वाले भाग की भी लंबाई आप आर ही लेकर चलेंगे, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, बेलन की लंबाई कितनी हो जाएगी, गाउस से बंद पृष्ठ की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 आर हो जाएगी। ये बात ध्यान में रखोगे आप, ठीक है। फिर चूंकि बेलन है, वापस से इसके पास में 3 मुक्त पृष्ठ है, कितने मुक्त पृष्ठ है, 3 मुक्त पृष्ठ है। जैसे ही आप 3 मुक्त पृष्ठ की बात करते हो, तो एक यहां पर लिया, एक यहां पर लिया और एक यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। इस वाले को लिखेंगे S1, इस वाले को लिखेंगे S2 और इस वाले को लिखेंगे S3। S1 की जब हम बात करते हैं तो क्षेत्रफल की दिशा देखेगी, क्षेत्रफल की दिशा कैसे देखी जाएगी, तो वृत्त है बाहर की ओर देखेगा ऐसा, और विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी, तो परत को बिंदु से मिलाने वाली रेखा ऐसी रेखा होगी उसके अनुदिश, तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा। फिर S2 वक्र पृष्ठ है, लंबवत बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर, ठीक है। और फिर यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या, उस बिंदु को परत से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ऐसा जाएगा, ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक। यहां पर कैसा देखा जाएगा, तो पहले तो क्षेत्रफल वो तो लंबवत बाहर की ओर जाएगा ही जाएगा, ये तो DS था ही, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में, क्यों, क्योंकि परत को बिंदु से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ये विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, ठीक है। इस तरीके से आपका डायग्राम बनना चाहिए, ठीक। फिर कैसे काम करेंगे, फिर आपको वो लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा कि अपरिमित चालक परत का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, अतः पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा से सिग्मा बराबर क्या बच्चों, क्यू डिवाइडेड बाय एस, और ये समीकरण नंबर कितना बनाएंगे अपन, 1 बना देंगे, ठीक। फिर किसका उपयोग करेंगे, गाउस के नियम का उपयोग करेंगे। डेरिवेशन थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहां पर आपको लाइन लिखनी है कि दी गई अपरिमित चालक परत का, अचालक परत का पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है, अतः पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा से वो चीज आपको उतारनी ही पड़ेगी, ठीक। अब अपन लिखते हैं गाउस के नियम से, जो काम हम हमेशा करते हुए आए हैं, गाउस के नियम से, गाउस का नियम लगाते हैं। तो गाउस के नियम से हमारे पास में क्या है बच्चों, हमें पता है समाकलन, बंद पृष्ठ के लिए काम कर रहा हूं, E डॉट DS सदिश बराबर क्या बच्चों, समीशन क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फिर इसको 3 भागों में तोड़ दो, क्योंकि 3 पृष्ठ थे, S1 S2 और S3, तो हमने इसे 3 भागों में तोड़ा, S1 E सदिश डॉट DS सदिश प्लस S2 E सदिश डॉट DS सदिश प्लस S3 E सदिश डॉट DS सदिश बराबर में क्या बच्चों, समीशन क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर डॉट को हटाएंगे और सदिश को हटाएंगे, गोला तो पहले से हट चुका था, अब डॉट और सदिश को हटाएंगे और cos θ 1 cos θ 2 और cos θ 3 वाला काम करेंगे। तो हमने लिखा S1 E DS cos θ 1 प्लस S2
ds cos theta 2 plus s3 ds cos theta 3 is equals to q divided by epsilon naught, summation q की जगह हमने क्या लिख दिया है, q लिख दिया है। ठीक, अब क्या किया बच्चों, थीटा वन थीटा टू और क्या रखा, थीटा थ्री का मान रखा। थीटा वन कितना है बच्चों, देखो भाई यहाँ पे देखते हैं, एस वन के लिए थीटा वन, एस टू के लिए थीटा टू और एस थ्री के लिए थीटा थ्री डिफाइन होगा। तो एस वन वाले के लिए थीटा वन, गौर करो एक ही दिशा में 0 डिग्री, एस टू वाले के लिए थीटा टू, पता चल रहा होगा आपको ई और डीएस में कितना, थीटा टू बराबर 90 डिग्री, एस थ्री थीटा थ्री है बच्चों कितना डिग्री है, 0 डिग्री, एक ही दिशा में तो जा रहा है। ठीक है, तो दो तो 0 डिग्री है एस वन और एस थ्री वाले, एक 90 डिग्री है थीटा टू वाला, एस टू वाला। तो मान रखता हूं मैं ई, सॉरी चलिए, तो काम करते हैं समाकलन एस वन ई ds cos 0 थीटा 1 का मान प्लस s2 e ds cos 90 प्लस s3 e ds cos 0 बराबर में क्या, q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, cos 90 वाला भाग तो हटा दोगे कोई यूजलेस है, 0 cos 0 और cos 0 वैल्यू वन होती है तो वो वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, ये एस वन होगा और यहां पर ई डी एस आएगा है ना, और यहां पर भी एस थ्री आएगा और ई डी एस आएगा। बच्चों ये समाकलन का निशान है, किसका निशान है, समाकलन का निशान है। ठीक है, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब देखो ई को तो बाहर निकालो और यहां पर समाकलन लगाया एस वन के लिए ds, फिर यहां पर भी e को बाहर निकालो, समाकलन लगाओ ds और s3 आएगा, फिर क्या आएगा, q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। अब देखो s1 और s3, s3 यहां पर है, s1 यहां पर है, दोनों ही वृत्त वाले भाग है, दोनों का क्षेत्रफल समान है, इसलिए हमने दोनों का क्षेत्रफल को s और s ही लिख लिया है, तो ds का समाकलन किया और s लिखा, तो ये भी es हुआ और ये भी ई एस हुआ, बराबर में क्या बच्चों, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ई एस क्या हो जाएगा, टू ई एस हो जाएगा, टू ई एस बराबर क्या, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फिर ई बराबर क्या होगा बच्चों, क्यू डिवाइडेड बाय टू एस एप्सिलॉन नॉट, टू एस का भाग लग गया ना, ये टू एस का भाग इधर लग गया। अब गौर करो क्यू डिवाइडेड बाय एस, क्यू डिवाइडेड बाय एस क्या हो जाएगा, समीकरण एक से क्या लिखेंगे, समीकरण एक से सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व, सिग्मा डिवाइडेड बाय टू ऐसा का ऐसा और एप्सिलॉन नॉट ऐसा का ऐसा, ये परिणामी विद्युत क्षेत्र है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये क्या है, परिणामी विद्युत क्षेत्र, किसके कारण, परत के कारण है, किसके कारण है, परत के कारण है ना। अब इसको सदिश रूप में भी लिखेंगे, तो सदिश रूप में कितना लिखा जाएगा, तो हमने बोलते हैं कि लंबवत दिशा, ये बात ध्यान में रखना, परत के लंबवत देखा जा रहा है, तो लंबवत के लिए, तो यहां पर मैं सदिश रूप लिख रहा हूं बच्चों, सदिश रूप ई सदिश बराबर क्या होगा बच्चों, सिग्मा डिवाइडेड बाय टू एप्सिलॉन नॉट, ये तो परिमाण हो गया, और इसके साथ में क्या लगा दोगे, एन कैप, क्या लगाएंगे, एन कैप, और ये कौन सा सदिश हो गया है, लंबवत सदिश हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से पता चला। अब हमें क्या देखना है, हमें ग्राफ देखना है। ठीक है, ग्राफ कैसे देखेंगे वो भी देखो बच्चों, देखो ग्राफ किस किसके बीच में, एक तो दूरी के बीच में और एक वो आवेश घनत्व आता है उसके साथ में देखते हैं। ठीक, तो दूरी देखो फॉर्मूले में विद्युत क्षेत्र के कारण, क्या आपको दिख रहा है कहीं दूरी आ रहा है, आर का कॉन्सेप्ट कहीं दिख रहा है आपको, नहीं है। ठीक, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ से दूरी पर निर्भर नहीं करती है, वापस से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ से दूरी पर निर्भर नहीं करती है, इसका मतलब वो आर पे इंडिपेंडेंट है, निर्भर है। तो अगर ई और आर के मध्य, ये उतार लीजिएगा, वीडियो को पॉज करें और इसको उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर जैसा भी आप समझे। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो अगर आर पे डिपेंड नहीं कर रही, दूरी पे डिपेंड नहीं कर रही,
तो फिर ई व आर के मध्य ग्राफ क्या होगा? निर्भर नहीं कर रहा बच्चों, तो आर चाहे कुछ भी हो, विद्युत क्षेत्र का मान नियत ही रहेगा, नियत रहेगा, तो ई का मान एक समान। आर का मान देखो चेंज होता जा रहा है, लेकिन ई का मान चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरा, विद्युत क्षेत्र और पृष्ठीय आवेश घनत्व ई और सिग्मा के बीच में, तो आप देखेंगे ई जो है वो समानुपाती है किसके? पृष्ठीय आवेश घनत्व के। पृष्ठीय आवेश घनत्व के समानुपाती है, तो फिर कैसा जाएगा समानुपाती का ग्राफ? ऐसा ऐसा है ना, जैसे जैसे आवेश बढ़ाते जाओगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ती चली जाएगी। तो ये ग्राफ दिमाग में रह जाएगा, डेरिवेशन आपको पता चल ही गया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने निकाला कौन से के लिए? अचालक परत के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है चालक पट्टिका। क्या है बच्चों? चालक पट्टिका। ये दिमाग में रह गया। ये सिंपल है बहुत डेरिवेशन। आप गलती क्या करेंगे यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर करके आ जाते हैं बच्चे, एस की जगह पाई आर स्क्वायर कर देते हैं, तो दिक्कत ही दिक्कत है बच्चों। ठीक है, फिर कुछ नहीं आने वाला है। ठीक, तो यहाँ पे एस ही आएगा, उससे ही काम बैठने वाला है अपना। अब देखो नेक्स्ट क्या बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास में, इस अचालक परत को हटा रहा हूं, चालक पट्टिका की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? चालक पट्टिका, चालक पट्टिका। अब पट्टी का मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था क्या भाई, जिसके पास में मोटाई हो। ठीक है, अगर मोटाई है और अगर आवेश दोगे तो ये संभव था कि वो आवेश किस में जाए, उसके आयतन में भी चला जाए, लेकिन कंडीशन अप्लाइड। क्या कंडीशन अप्लाइड है? आगे देखो बच्चों, हमने चालक लिख रखा है। क्या लिख रखा है? चालक। चालक के अंदर आवेश सदैव उसकी सतह पर ही होता है। कहां पर होता है? सतह पर ही होता है। ये बात थोड़ा सा आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्या ध्यान रखनी है? लेट सपोज करो कि अगर ये चालक है और आपने इसको आवेश दिया, तो आवेश कहाँ जाएगा? इसकी सतह पर, मतलब ऊपर ऊपर जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। चालकों में अंदर आयतन में नहीं चला जाता मुक्त आवेश। ठीक है, जबकि अगर अचालक होता तो अचालकों में ये आवेश सतह पर भी जाएगा और इसके अंदर भी जाएगा, आयतन में भी समान रूप से जाएगा। ठीक है, तो अभी अपन ने टॉपिक ही क्या ले रखा है? चालक पट्टी का ले रखा है, तो आवेश कहां पर है? सतह पर है। ये बात ध्यान में रखोगे आप। ठीक, और पट्टी का है तो पट्टी का को कैसे बनाएंगे तो वो समझ लीजिए। तो मैं पट्टी का को बना रहा हूं, कुछ ऐसा बना सकते हैं। और ये मोटाई दर्शा दूंगा। यहां पर आप क्या कर सकते हैं? मोटाई दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरफ मोटाई दर्शा दी। तो अब ये आवेश रहने वाला कहाँ है? एक तो इसकी सतह पर रहेगा, ये बात ध्यान रखें, बस मोटाई में नहीं जाने वाला, मतलब इस वाले बीच में नहीं जाने वाला है। इसकी सतह पर ही आपको क्या करना है? आवेश को प्रदर्शित करना है, मोटाई में आवेश को प्रदर्शित नहीं करना। ये हो गया। और एक यहाँ पर पीछे वाले पृष्ठ के ऊपर, तो ये पीछे वाले के लिए आप यहाँ पे आवेश दर्शा सकते हैं, लेकिन बीच में कोई आवेश नहीं है, मोटाई में कोई आवेश है ही नहीं। अब ये थोड़ा सोचने वाली बात है, मैंने आपको बोला था कि आवेश सतत रहना चाहिए। अगर गाउस बंद पृष्ठ को अगर आर पार निकालना है तो आवेश रहना चाहिए सतत। अब देखो, हमने ये अगर वो होता है ना, मेरे को वो बुक दीजिए एक बार के लिए। तो अगर ये हमारे पास में ये वही वही चीज है, पट्टी का है, तो क्या हुआ? बेलन को लेकर के आए, लेकर के आए, लेकर के आए, यहां तक आया, आवेश यहां पर था, सतत था। ठीक है, फिर इसके अंदर लेकर गए, जैसे ही अंदर लेकर गए बच्चों, बीच में तो आवेश है ही नहीं। ठीक, तो आवेश की कंटिन्यूटी टूट गई है, और फिर इस तरफ वापस से आवेश। ठीक, लेकिन बीच में तो आवेश की कंटिन्यूटी टूट गई ना, है ना, सतत टूट गई है, तो यहां पर फिर यहां पे कोई अस्तित्व नहीं रहता उसका, है ना। यहाँ पर हम बेलन को आर पार नहीं गुजारते। क्यों नहीं गुजारते? रीजन एक ही है कि यहाँ पे आवेश की क्या है? सतत टूट जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, इसलिए हमने इसे आर पार नहीं गुजारा, अपरिमित है तो वैसा का वैसा ही काम होगा। तो डायरेक्शन, अगर दिशा पूछी जाए, हालांकि पूछी जाती नहीं है, लेकिन अगर पूछी जाए तो सेम वो का वही डायग्राम बनाना है जो हमने पहले बनाया था। क्या? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर था, है ना, अभीष्ट बिंदु को पृष्ठ से मिलाने वाले रेखा, लंबवत रेखा से अनुदिश होना चाहिए विद्युत क्षेत्र की दिशा। बस पृष्ठ की जगह आप किसका यूज कर लेंगे? पट्टिका
पट्टिका। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? अभीष्ट बिंदु को पट्टिका से मिलाने वाली लंबवत रेखा के अनुदिश होगी, क्योंकि प्लस का आवेश है तो अनुदिश लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, चलिए। तो यहां पर मैं आपको बता चुका हूं, बेलन आर पार नहीं जाएगा आवेश की सतत्ता टूट जाने के कारण। ठीक है, ऐसा काम। अब देखो नेक्स्ट, हमें तो उसी पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना था, तो अब इस बार बेलन आगे तो गया ही नहीं, इतना ही रहा आर दूरी पर, तो यही पी बिंदु। ठीक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमने यहां पर S1 माना, यहां पर S2 माना। आप चाहें तो यहां पर S3 लिख सकते हैं, लेकिन S3 के लिए आप बोलेंगे आवेश नहीं है, इसलिए फ्लक्स भी शून्य होगा। ठीक है, फिर S1 के लिए ये दिशा अपन पहले प्रदर्शित कर चुके हैं बच्चों, विद्युत क्षेत्र की दिशा मिलाने वाली रेखा के अनुदिश और यही क्षेत्रफल की दिशा। ठीक है, S2 के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा और फिर ये, सॉरी विद्युत क्षेत्र की दिशा नहीं, क्षेत्रफल की दिशा है ये, और ये किसकी दिशा है? विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, अब देखो काम कैसे करेंगे, S3 के लिए कुछ नहीं काम करना है अपन को, है ना? तो हमने लिखा गाउस के नियम से, और पहले मैं लिख देता हूं सिग्मा बराबर, यहां पर भी क्या है बच्चों, क्यू डिवाइडेड बाय एस है, पृष्ठीय आवेश घनत्व ही है। क्यों? क्योंकि आवेश कहां पर है? सतह पर है, आयतन पर है नहीं। ठीक है, आयतन में नहीं है, सतह पर है, इसलिए पृष्ठीय आवेश घनत्व भी निकलेगा। तो हमने लिखा किसके नियम से बच्चों? गाउस के नियम से। गाउस के नियम से हमने क्या लिखना है बच्चों? वही समाकलन बंद पृष्ठ वाला E डॉट ds करना है, बराबर में क्या, समीशन क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। इसको तोड़ने के लिए तीन भाग बना सकते हो आप, E ds cos थीटा 1 बना रहा हूं, E ds cos थीटा 2 S2 के लिए बनाया, और S3 के लिए मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, E डॉट ds लिख दिया है, और यहाँ पर समीशन Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट को Q बाय एप्सिलॉन नॉट लिख दिया है। ठीक है, थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू चाहिए वो अपन निकाल सकते हैं। S1 के लिए देखो थीटा 1 मिलेगा आपको, पता चल गया होगा थीटा 1 की वैल्यू कितने लिखने वाला है, 0 डिग्री। S2 के लिए देखो दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री है, थीटा 2, 90 डिग्री। लेकिन S3 के लिए क्या लिखा जाएगा, हम लिखेंगे चूंकि S3 पृष्ठ चालक पट्टिका के भीतर स्थित है, जहां कुल आवेश शून्य है, अतः उस पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स भी शून्य होगा। वापस से सुन लो, ये लाइन आपको ही लिखनी है। क्या? S3 पृष्ठ चालक पट्टिका के भीतर स्थित है, जहां आवेश शून्य है, अतः इस पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स का मान भी शून्य होगा, अतः समाकलन S3 E डॉट ds सदिश बराबर शून्य। ठीक है, ऐसा लिख हो गया। फिर E ds cos 0, थीटा 1 का मान तो 0 ही था, S1। फिर E ds cos थीटा 2 का मान कितना है, 90 डिग्री है, S2 बराबर में क्या बच्चों, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो हट गया ये वाला भाग रह गया, कितना E ds और s1 बराबर में कितना, q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ठीक है, फिर e को ऐसा करो, ds को अंदर रखो समाकलन के दायरे के अंदर, और q डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, एप्सिलॉन। फिर ds का समाकलन कितना आएगा, लास्ट टाइम भी बताया था s, तो ये q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। तो e बराबर इस बार कितना आएगा, q डिवाइडेड बाय s एप्सिलॉन नॉट। समीकरण एक से सिग्मा बराबर क्या, क्यू बटा एस था। ठीक, तो हम लिखा समीकरण एक से मान रख दो इसकी जगह सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अरे समीकरण एक देखो बच्चों, क्यू बटा एस है यहाँ पर, है ना, और क्यू बटा एस की जगह क्या, सिग्मा। तो क्यू बटा एस की जगह हमने क्या लिख दिया, सिग्मा लिख दिया है, यही परिणामी विद्युत क्षेत्र है। तो
पट्टिका के कारण तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है चालक पट्टिका के कारण, जबकि अचालक परत के कारण सिग्मा बटे टू एप्सिलॉन नॉट है। ये अंतर ध्यान में रखें, चालक है या फिर अचालक है, परत है या फिर पट्टिका, ये ध्यान रखना है। फिर दिशा देखते हैं, तो सदिश रूप में हम इसे लिखेंगे, सदिश रूप में क्या लिखेंगे, वैसा का वैसा, लंबवत दिशा थी तो सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ऐसा का ऐसा ना। और लंबवत दिशा के लिए क्या करते हो बच्चों, एन कैप लगाते हो गया काम, ठीक है। फिर ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ किसके बीच में, विद्युत क्षेत्र और दूरी के बीच में, तो हमने बोला दूरी तो आई नहीं रही, निर्भर ही नहीं करता, निर्भर ही नहीं करता, तो क्या बोलेंगे भाई, विद्युत क्षेत्र और दूरी के मध्य ग्राफ में विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं करता, अगर निर्भर नहीं करेगा तो ऐसा बनेगा, ठीक है। और अंतिम ग्राफ, अंतिम ग्राफ क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व और विद्युत क्षेत्र के बीच में, दोनों देखो एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है बच्चों, समानुपाती, तो ग्राफ आपको पता है कैसा जाएगा, आवेश घनत्व बढ़ाओगे तो विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, ज्यादा टिपिकल है नहीं ये दोनों ही पॉइंट, और अच्छे पॉइंट है, एग्जाम में न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, और न्यूमेरिकल बहुत छोटा सा आने वाला है, आपको पता चल गया होगा फॉर्मूला छोटा सा है तो न्यूमेरिकल भी तो छोटा सा होगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, वापस से बोलूंगा, कुछ नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर आप उसको देख सकते हैं, लेकिन वीडियो को पूरा देखें बच्चों, आप वीडियो को देखेंगे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहां पर हम गलती कर जाते हैं, तो वो आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। हैव अ गुड डे, टेक केयर।